नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से बोल्ट एक्सप्लेनर में। WWE रॉ का इस हफ्ते का एपिसोड काफ़ी रोमांचक होने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले हफ्ते रॉ में एलिमिनेशन चेंबर में होने जा रहे WWE चैंपियनशिप मैच में हिस्सा लेने जा रहे सभी सुपरस्टार्स के नाम सामने आ गए थे और इस हफ्ते ये सुपरस्टार्स अपने मैच को हाइप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा शो में RK ब्रो और अल्फा एकेडमी के बीच एक एकेडमिक चैलेंज का फाइनल भी होना है। साथ ही दिग्गज लीटा इस हफ्ते एक बार फिर से रॉ ब्रांड में नजर आने वाली है। इसके अलावा रिडल का शो में सेथ रॉलिंस से सामने सामने का कंपटीशन मैच हो सकता है और बता दें ये दोनों ही सुपरस्टार एलिमिनेशन चेंबर में होने जा रहे WWE चैंपियनशिप मैच का हिस्सा है। इसके अलावा इस हफ्ते रॉ के एपिसोड के काफी कुछ होने की उम्मीद है। तो आइए आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी पांच चौंकाने वाली चीजें जो इस हफ्ते रॉ के एपिसोड में हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ ही में बेल का ऑप्शन भी ऑन कर दें ताकि मैं आपके लिए आने वाले टाइम में ऐसी ही रोमांचक भरी वीडियो WWE के बारे में लाता रहूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। WWE रॉ में क्रिस पॉल चैलेंज में RK ब्रो की जीत हो सकती है। WWE रॉ में पिछले हफ्ते में रिडल ने अल्फा एकेडमी के साथ स्कूटर रेस चैलेंज में हिस्सा लिया था और ओंटिस की वजह से रिडल ये चैलेंज हार गए थे। अब इस हफ्ते रॉ में RK ब्रो और अल्फा एकेडमी के बीच क्रिस पॉल चैलेंज होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, क्योंकि ऑर्टन पिछले हफ्ते रॉ में नजर नहीं आए थे इसलिए ये देखना रोचक होगा कि इस महत्वपूर्ण चैलेंज के लिए ऑर्टन वापसी करते हैं या नहीं। बता दें इस हफ्ते रॉ में होने जा रहे क्रिस पॉल चैलेंज इसलिए ये खास है क्योंकि ये चैलेंज हारने पर RK ब्रो को रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मैच में कम्पीट करने का मौका नहीं मिलेगा। इस बात की संभावना ज्यादा है कि RK ब्रो की टीम ये चैलेंज जीतकर चैंपियनशिप मैच में जगह बनाने में कामयाब रहेगी। हालांकि ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि चैलेंज जीतने पर RK ब्रो को अल्फा अकेडमी के खिलाफ रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मैच में कब मौका मिलता है। दूसरी तरफ WWE रॉ में लीटा द्वारा बैकी लेंच पर हमला होने की संभावना है इस हफ्ते रॉ के ब्रांड में। जी हां दोस्तों, पिछले हफ्ते WWE रॉ के एपिसोड के दौरान लीटा का एलिमिनेशन चैम्बर इवेंट में बैकी लेंच के खिलाफ रॉ वीमेंस चैंपियनशिप मैच बुक किया गया था। अब इस हफ्ते रॉ में एक बार फिर से लीटा नजर आ सकती हैं और शो में नजर आने के बाद वो अपने मैच को बिल्ड भी कर सकती हैं। देखा जाए तो बैकी लेंच वर्सेज लीटा के मैच को बेहतरीन तरीके से बिल्ड करने के लिए WWE इस मैच के बिल्डअप के दौरान लीटा को मजबूत दिखा सकती हैं। यही कारण है कि संभव है कि इस हफ्ते रॉ में आने के बाद लीटा बैकी पर हमला कर सकती हैं। बता दे इससे पहले लीटा ने कुछ हफ्ते पहले स्मैकडाउन में वापसी के बाद शार्लेट फ्लेयर को ट्विस्ट ऑफ फेट देकर धराशायी भी कर दिया था। दोस्तों तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं WWE रॉ में एलेक्सा ब्लिस पूरी तरह से ठीक हो सकती है। दोस्तों WWE रॉ में एलेक्सा ब्लिस की वापसी के बाद से ही उनका थेरेपी सेशन चल रहा है और इस दौरान उनके व्यवहार में धीरे धीरे काफी बदलाव देखने को मिला है। बता दें पिछले हफ्ते जब डॉक्टर ने एलेक्सा ब्लिस को लिली की रेप्लिका डॉल दी थी तो ब्लिस भावुक होने के बाद साथ साथ खुश भी हो गई थी। यही कारण है कि ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते रॉ में थेरेपी सेशन के बाद एलेक्सा ब्लिस पूरी तरह से ठीक होते हुए अपने पुराने रूप में लौट सकती हैं। अगर ब्लिस इस हफ्ते रॉ में अपने बेबी फेस कैरेक्टर में लौटती हैं तो ये फैंस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। दोस्तों चौथी तरफ हम बात करते हैं WWE रॉ में बॉबी लैशली जो हमारे करंट WWE चैंपियन है मैच लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों बॉबी लैशली रॉयल रंबल 2022 में ब्रॉक लेस्नर को हराकर नए WWE चैंपियन बने थे। इसके साथ ही बॉबी लैशली के रॉ में एक बार फिर से ऑल माइटी एरा की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि WWE चैंपियन बनने के बाद से ही लैशली ने अभी तक रेड ब्रांड रॉ में एक भी मैच नहीं लड़ा है। ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते रॉ में वो मैच लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखा जाए तो बॉबी लैशली के रॉ में उनके पूर्व साथी शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर सहित कई दुश्मन मौजूद हैं। इनमें से किसी एक सुपरस्टार के खिलाफ लैशली मैच लड़कर उन्हें आसानी से हराते हुए रोस्टर में अपना दबदबा जारी रखेंगे। दोस्तों फाइनली मेन इवेंट में रिडल WWE रॉ में सेथ रॉलिंस को हराते हुए सभी को चौंका भी सकते हैं। जी हां दोस्तों आपने सही सुना है। दोस्तों WWE रॉ में इस हफ्ते
रिडल का मैच सेथ रॉलिंस से होने जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये काफी शानदार मैच होने जा रहा है। हालांकि इस मैच में रॉलिंस की जीत की संभावना ज्यादा लग रही है, लेकिन रिडल इस मैच में सेथ रॉलिंस को हराते हुए सभी को सरप्राइज भी कर सकते हैं। रिडल ने पिछले हफ्ते रॉ में ओटिस पर चौंकाने वाली जीत भी दर्ज की थी, और इससे पहले रिडल अपने कैरियर के दौरान रैंडी ओर्टन हरा चुके हैं। यही कारण है इस हफ्ते रॉ में रिडल द्वारा सेथ रॉलिंस को हराने की संभावना बनी हुई है। तो ये थी हमारी कल के मंडी नाइट रॉ के आने वाली प्रेडिक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आई होप आपको इस बार की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और हर बार की तरह अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को एक लाइक और साथ में कॉमेंट करना मत भूलना। लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ आपको अगले मंडी नाइट रॉ के एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।